फॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ फिरदौस खांडे। इस वक्त हम जिला डोडा के सब डिवीजन गुंडे के एक बालाई इलाके में मौजूद हैं। गांव चलो अभियान, जिसके तहत आज पूरे मुल्क में 8 से लेके 10 फरवरी तक पूरे जितने भी यानी 7 लाख के करीब जो गांव हैं, इन लोगों ने टच करने हैं। बीजेपी के 7 लाख के करीब वर्कर्स जो हैं वो हर गांव में जाएंगे और इसमें लगभग 30 लाख के करीब बीजेपी वर्कर्स जो हैं वो हर गांव में अभियान का हिस्सा बनेंगे। कहने का मकसद ये है कि बीजेपी ने ये अभियान इसलिए शुरू किया है कि जितने भी आउटरीच एरियाज हैं उनमें जो काम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेड बाय टीम, यानी ये वो टीम है, इन्होंने जो काम किए हुए हैं उन कामों का फीडबैक लेना है और ये बताना है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज तक जो काम किए हैं क्या वो वाकई अच्छे काम है, क्या वो उनसे गरीब लोगों को फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। उसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास है। लेकिन यहां ये लोग जो है, आप हमारे पीछे देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहूंगा, इन लोगों ने इन बालाई इलाकों में जाना है, इन पहाड़ों में जाना है और हर उस घर को, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और बीजेपी प्रेसिडेंट का ये प्रॉमिस है कि हर उस आखिरी गांव तक जाना है, हर उस आखिरी बंदे तक पहुंचना है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी टीम की जो इस जो मुहिम है इसका हिस्सा कौन लोग बनेंगे, यानी उसमें एमपीज होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, एक्स एमएलएज होंगे, रिटायर्ड सिटीजन होंगे, बिजनेसमैन होंगे, डीडीसी होंगे, डीडीसी मेंबर्स होंगे, मेंबर पंचायत सरपंचेस होंगे और मेंबर्स होंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ बीजेपी के सीनियर लीडर और एक्स एमएलए भी मौजूद हैं, वो जो है आज इस टीम का हिस्सा बने, इस अभियान का हिस्सा बने। हम उनसे बात करके ये पूछना चाहेंगे, दिलीप सिंह परिहार जी, आप एक बार यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए भी बने हो, आज आपके लिए एक और बड़ा ये आदेश है, हुक्म है, सेंटर से आया हुआ है कि आपने इन बालाई इलाकों में जाना है और हर वर्कर जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की स्कीम का जो जिक्र करेगा उसमें प्राइम मिनिस्टर जो हमने सुना था, जो आपके प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने ये भी बताया है कि जो एक आम वोटर्स ने हमें देनी है वो भी उसको भी आपने दिल्ली तक पहुंचाना है, दिल्ली के ऐवानों में पहुंचाना है। आप इस मुहिम का हिस्सा हैं, कितने काम हुए आज तक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर मेरे साथ, मैं इंचार्ज हूं इसका, गांव चलो अभियान का, जिला डोडा का। मेरे साथ राकेश जी हैं और सोनिया राव जी जो हैं ये मेरे साथ इंचार्ज हैं इस गांव चलो अभियान का। आज गुंडों में हमने ये जितने भी गांव के लोग जिनको गांव में भेजना है, जितने भी वर्कर हैं, इनको हमने यहाँ बुलाया था और यहाँ पे इनको स्टेशनरी देकर इनको यहाँ से हमने गांव के लिए भेजना है, इसलिए आज हमने ये प्रोग्राम जो यहाँ रखा था। कल हमारा प्रोग्राम डोडा में था और सारे डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि ये जो गांव चलो अभियान है ये मोदी जी का एक स्पेशली जिसको कहते हैं आप, प्रोग्राम है और ये सारे देश के लिए है। गांव में जाना है, गांव में जाके देखना है कि ये जो गांव में कितनी योजनाएं, जो 156 योजनाएं लागू की है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, तो वो योजनाएं कितनी उस गांव में लागू हुई है, कितनी नहीं हुई है, क्या कमी उस गांव में रही है और हमसे कितने लोग दूर हैं जो हम भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नहीं है, तो ये सब तरीके जो है ये जाके इन्हें देखने हैं, वहां देखना है कि कितनी योजनाएं हमारी पहुंची है, कितनी सड़क गांव में पहुंची है या नहीं पहुंची है, पानी सड़क में पहुंचा, ये गांव में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, बिजली गांव में पहुंची है या नहीं पहुंची है, कितने लोगों को रोजगार मिला है। जैसे बिन बिन जैसे लोन थे, 15,000 लोन मिलता था, 20,000 लोन मिलता था, 3 लाख लोन मिलता है, 10 लाख लोन मिलता है बगैर किसी गारंटर के, तो वो कितने लोगों को पहुंचा है, कितने लोगों ने अपने कारोबार शुरू किए हैं। तो इस तरीके की जो ये योजना है ये शुरू हुई है। मोदी जी ने आदेश जो था आदरणीय अपने रविंद्र रैना जी को दिया
और अशोक कोल जी को दिया, उन्होंने ये आदेश जो है हमें दिया है जिला डोडा में, मुझे इसका गांव चलो अभियान का इंचार्ज बनाया है, और साथ में मेरे सोनिया जी हैं, राकेश जी हैं, राकेश जी डोडा देख रहे हैं, सोनिया जी डोडा एरिया जो है उसको इसमें देख रही हैं, भद्रवा एरिया मैं देख रहा हूँ, सारे हम मिलजुल के चल रहे हैं। और आज ये जितने वर्कर आपको, ये वर्कर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की करीम है, ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, ये सारे लोग जो है आज यहाँ से रवाना, हर अपने अपने गांव में चले जाएंगे, शाम को भी वहां बैठेंगे, कल भी वहां बैठेंगे, और परसों ये वहां से वापस आएंगे और पूरी रिपोर्टें लेके आएंगे कि हाँ गांव में किस चीज की कमी है, कितने काम जो है मोदी जी ने किए हैं। वैसे तो लोग सारे खुश हैं। मेरे साथ एक दोस्त रास्ते में मुझे मिला था, मैंने कहा जनाब कहाँ जा रहे हो, कहते मैं गुंडू जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या क्या मोदी जी ने क्या किया आपके लिए, उन्होंने कहा आप कहाँ रहते हो, वो बुजुर्ग मुझे वाकिफ नहीं था। मैंने कहा जी मैं ऐसे ही गांव में रहता हूँ। कहता आपको पता नहीं है कि भाई मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने कोई कमी रखी नहीं बकाया, जो हमने कभी देखा नहीं था वो भी हुआ। जहाँ 14 से पहले मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो उनने गांव गिनके सुनाया मुझे कि कहलजुगासर में गाड़ी नहीं जाती थी, आज कहलजुगासर में गाड़ी जाती है, आज चेंसर में गाड़ी जाती है, आज चौड़ी में गाड़ी जाती है, आज मनोकोटा गाड़ी जाती है, आज इस एरिया में, कहते ये नहीं देखा आपने, उसने कहा कि गैस सिलेंडर लोगों को कितने मिले हैं आपने नहीं देखे, आज लोन इतना मिल रहा है, हमारे बच्चे कारोबार कर रहे हैं, आज गोल्डन कार्ड जो है 5 लाख तक जो है लोगों को ये फ्री है, क्या कहते हैं, इलाज फ्री है, और यहीं नहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज फ्री हो गया है, तो जगह जगह आज लोग खुश हैं हमारे। लेकिन जो भी कोई कमी रही होगी इसके लिए ये लोग जो है हमने भेजने हैं, आज ये जाएंगे सारे लोग। मैडम सोनिया जी को अभी मैं कह रहा इस एरिया में जो कह रहा मंडल और चिली मंडल, इसमें अब ये कहीं आगे जाके उनको रवाना कर रहे हैं, इधर से भी हम कुछ लोगों को भेज रहे हैं और कुछ लोगों को ये कहरा में जाके उनको गांव के लिए रवाना करेंगे। यहाँ हम मंडल गुंदो और मंडल चिली पिंडल और मंडल नीली जो है वहां के जो भी हमारे वर्कर है, लीडर है, इनको हम गाँव में भेज रहे हैं और जाकर ये वहां जाकर वो काम करेंगे जो हनुमान जी ने किया था, जो अंगद जी ने किया था, जो हमारे ऋषि मुनियों ने काम किए थे वो काम करें। जनता पार्टी का जो भी वर्कर है, मेरा मैं नहीं, हमारे जितने मंडल प्रधान है, जितने हमारे प्रभारी हैं, और रविंद्र रैना जी जो हमारे प्रधान है जम्मू कश्मीर यूटी के, हमारे अशोक कोल जी को देखते हैं कैसे हंसते, कैसे लोगों से मिलते हैं और कैसे लोगों के काम करते हैं। रात को 12 बजे तक भी फोन आता है, हम फोन उठाते हैं, 1 बजे भी फोन आएगा हम फोन उठाएंगे और लोगों की मुश्किलें जो है दूर करेंगे। जैसे आप जहां आप रहते हो चिली बाला में आप रहते हो, और चिली बाला में हमें सिर्फ 10 या 20 या 30 वोट मिलते थे, उससे ज्यादा वोट नहीं मिलता था। 2014 में जब मैंने इलेक्शन लड़ा तो मुझे 35 वोट वहां से मिले, जबकि मेरे खिलाफ जो थे 900 वोट गए थे। वहां पे 70 साल उन लोगों ने आपको सड़क नहीं दी, आप एमसी के पीछे रहे, आप कांग्रेस के पीछे रहे, आपको सड़क नहीं दी। लेकिन जैसे ही दिलीप सिंह परिहार एमएलए बना, मैंने गडकरी जी से, हमारे डॉक्टर जितेंद्र जी जो कि हमारे पीएमओ में मंत्री है, हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर जितेंद्र जी जो में मंत्री बने और उनके कारण हमने ये जितनी भी सीआरएफ में सड़कें हैं वो हमें सारी सैंक्शन कराई, नवाड़ में जितनी सड़कें उनसे उनके थ्रू सैंक्शन कराई, और आज आप ठाट से अपने गांव के लिए चिली बाला जाते हैं। क्या इससे ज्यादा और आपको क्या होना चाहिए? आपके गांव में सिर्फ 1 ट्रांसफार्म हुआ करता था, आज 8 ट्रांसफार्म आपके गांव में है। आपके गांव में लकड़ी के पोल हुआ करते थे, आज वहां पर लोहे के पोल है। आपके गांव में पानी नहीं था, पानी बड़ी परेशानी थी, आज इतनी स्कीमें हैं कि आज पाइपों के ढेर लगे, तो इससे ज्यादा और क्या लोगों को चाहिए? यही हमदर्दी है, लोगों के काम होने चाहिए। ये हमारा जो गांव चलो अभियान प्रोग्राम है, तो आप देखते हैं कि पहले से भी हमारे पार्टी के प्रोग्राम थे, जैसे बूथ शक्तिकरण अभियान था, बूथ जन संवाद था, विकसित भारत था, तो उसी के तहत आज गांव चलो अभियान है। और ये कार्यक्रम हम इसको सीरियसली इसलिए ले रहे हैं कि जो पिछली बार हमारी दिल्ली में मीटिंग थी तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद कहा था कि जो गांव चलो अभियान है तो हम हर गांव से जो हमारे प्रवासी कार्यकर्ता हैं तो उनको हम प्रवास के लिए भेजेंगे, और जैसे कि ये लोग गांव में जाएंगे और वहां पे जो स्थानीय कार्यकर्ता भी हमने एक एक रखे हैं जो इनको रिसीव करेंगे, और गांव में जाके जैसे अभी दिलीप जी ने पूरा ब्यौरा बता दिया कि क्या उन्होंने वहां पे करना है, जो पीछे से हमारी पार्टी की जो स्कीमें आई हैं, जो लोग इनसे वंचित रहे हैं उनको भी लाभ दिलाने का वो करेंगे। और इसमें यह है कि हमारा ऊपर से आदेश है कि हर उस मतलब पिछड़े हुए गाँव तक हमें पहुँचना, और पिछड़े हुए आदमी तक हमने पहुँचना, मकसद
गर्व यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो काम किए हैं उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए। फिरदौस खांडे, न्यूज 18 नेटवर्क।